हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज कंप्यूटर, इसका हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड फुल फॉर्म जानेंगे कंप्यूटर का, एंड इसका जो अदर कंपोनेंट है लाइक CPU, CU एंड ALU, इन सब का फुल फॉर्म जानेंगे। ये हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल फुल कोर्स का पहला वीडियो है। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर एंड इसका फुल एक्सप्लेनेशन। कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा। कंप्यूटर एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन और डेटा को मैनिपुलेट करता है। विच इज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बैबेज नियर बाय 19th century। जो चार्ल्स बैबेज के द्वारा डेवलप किया गया है 19th century के आसपास। इट हैज़ एबिलिटी टू टेक इनपुट्स डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस, स्टोर एंड प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो इनपुट डिवाइसेस से इनपुट डेटा को लेता है और उसको स्टोर और प्रोसेस करता है और उसके बाद फिर आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। चलिए इसको फिगर के माध्यम से देखते हैं। जो हमारा कंप्यूटर है वो पहले इनपुट डेटा को लेता है इनपुट डिवाइस से, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। पहला है हमारा हार्डवेयर एंड दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को हम लोग फिजिकल कंपोनेंट भी कहते हैं और सॉफ्टवेयर को लॉजिकल कंपोनेंट। तो चलिए इन दोनों का पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। हार्डवेयर। हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट मीन्स डैट वी कैन सी एंड टच दिस कंपोनेंट। हार्डवेयर हमारा कंप्यूटर सिस्टम का फिजिकल कंपोनेंट होता है जिसे हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, उसी को हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर में हमारा इंक्लूड रहता है इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड CPU डिवाइसेस। इन सारे को हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे, तो इसको अभी हम लोग स्किप करते हैं। आप लोग हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल फुल कोर्स का सारे वीडियो देखिएगा, तो उसमें हमारा जो ये इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड CPU है, उस सब को हम आगे आने वाले वीडियो में कवर कर रहे होंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज द लॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट मीन्स डैट वी कांट सी एंड टच दिस कंपोनेंट। जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वह कंप्यूटर सिस्टम का लॉजिकल कंपोनेंट होता है जिसको हम ना ही देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, उसी को हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर हमारा दो प्रकार के होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन दोनों को भी हम लोग आने वाले वीडियो में कवर कर रहे होंगे, तो चलिए अभी इसको स्किप करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। इसमें हमारा पहला है स्पीड। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप ज़रूर जानते होंगे कि जब हम लैपटॉप या कंप्यूटर को कोई भी टास्क देते हैं तो वो बहुत ही फास्ट काम करके हम लोगों को देता है। एंड दूसरा है एक्यूरेसी। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो 100% कैलकुलेशन एरर फ्री करता है। एंड हमारा तीसरा है स्टोरेज। कंप्यूटर के पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में स्टोरेज होता है। एंड हमारा नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक है रिपीटेड कैपेबिलिटी। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो रिपीटेड टास्क को सेम स्पीड और एक्यूरेसी के साथ करता है। अगर कोई भी इंसान को एक टास्क को 1000 बार करने के लिए दे दिया जाए तो वो सेम स्पीड के साथ नहीं कर पाएगा और हो सकता है उस टास्क को वो 100% सही भी नहीं कर पाएगा, लेकिन कंप्यूटर के साथ वैसा नहीं होता है। कंप्यूटर रिपीटेड टास्क को सेम स्पीड और एक्यूरेसी के साथ करता है। एंड हमारा नंबर 5 कैरेक्टरिस्टिक है रिलेबिलिटी। रिलेबिलिटी मतलब होता है विश्वसनीय। जो हमारा कंप्यूटर है वो विश्वास करने लायक मशीन है, इस पर विश्वास किया जा सकता है क्योंकि यह जो कैलकुलेशन करता है वो 100% एरर फ्री करता है। हमारा अगला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में जानते हैं।
एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, या हम लोग इसको यूज ऑफ कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। आखिर हम लोग कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? हम लोग कंप्यूटर का यूज बैंक में करते हैं। आजकल बैंकिंग सेक्टर टोटली डिपेंड हो गया है कंप्यूटर पे, क्योंकि बैंक हम लोगों को ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, और उसमें हम लोग कैश विड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, ये सब हमारा काम होता है कंप्यूटर से। इसलिए बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर का यूज होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एजुकेशन में कंप्यूटर का यूज होता है, मार्केटिंग में कंप्यूटर का यूज होता है, मार्केटिंग में कंप्यूटर का यूज होता है, लाइक कोई भी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना है, उसको एडवर्टीजमेंट करना है, तो वहाँ पे कंप्यूटर का यूज होगा। बिजनेस में कंप्यूटर का यूज होता है, हेल्थ केयर में भी कंप्यूटर का यूज होता है। अगर कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पे मरीज का डिटेल्स रखना है, तो उसमें हमारा कंप्यूटर का यूज होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फुल फॉर्म। इसमें हम लोग कंप्यूटर का फुल फॉर्म देखेंगे एंड इससे रिलेटेड कुछ और कंपोनेंट्स का भी फुल फॉर्म देखेंगे। तो हमारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म है सी फॉर कॉमनली होता है, ओ फॉर ऑपरेटेड, एम फॉर मशीन, पी फॉर पार्टिकुलरली, यू फॉर यूज्ड, टी फॉर टेक्निकल, ई फॉर एजुकेशनल एंड आर फॉर रिसर्च होता है। अगर इस सारे मीनिंग को एक साथ मिला दिया जाए तो ये बनता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। अब हमारा अगला फुल फॉर्म है सीपीयू का। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग एंड यू फॉर यूनिट। एंड उसके बाद सीयू का फुल फॉर्म होता है सी फॉर कंट्रोल एंड यू फॉर यूनिट। और उसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है ए फॉर एरिथमेटिक, एल फॉर लॉजिक एंड यू फॉर यूनिट। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।